हम में से कई लोग जो अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, स्टार्ट करके फेल हो जाते हैं, तो वो अपने आप से और अपने आसपास के लोगों से कई तरीके के एक्सक्यूजेस देते हैं। उन कई एक्सक्यूजेस में से तीन कॉमन एक्सक्यूजेस ये होते हैं कि सबसे पहला कि मेरे पास टाइम नहीं है, दूसरा ये जो डाइटिंग है और ये जो हेल्दी खाना है वो बहुत महंगा है, सो आई डोंट हैव द मनी, और तीसरा होता है कि जिम जाने में और वर्कआउट करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। लेट्स डिस्कस व्हाई दीज आर नॉट द वैलिड रीजंस एंड देयर एक्सक्यूजेस। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टाइम। लोग ये कंप्लेन करते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपका जॉब डिमांडिंग हो सकता है, आपकी फैमिली में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, यू माइट बी अ वर्किंग मदर, स्कूल कॉलेजेस पढ़ाई का बोझ, घर का काम, ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। लेकिन 9 घंटे की वेब सीरीज आप एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में निपटा देते हो। अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रोलिंग का एवरेज टाइम निकालो ना, वीकली एवरेज आता है जो, तो उसमें आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द स्क्रोलिंग जो होती है, जो माइंडलेस स्क्रोलिंग जिसमें आप कुछ गेन नहीं कर रहे होते हो, वो कई घंटों में होती है। और आजकल हर एक मोबाइल में और हर एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे ये फीचर है जिसमें आप देख सकते हो कि आपने कितना टाइम अपने मोबाइल पे स्पेंड किया है। जब आप इतना टाइम इन चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हो, इतनी चीज़ों में वेस्ट कर सकते हो, देन यू डोंट हैव द राइट टू कंप्लेन अबाउट नॉट हैविंग 3 to 4 आवर्स इन अ वीक फॉर योर हेल्थ। आप ये रिबटल दे सकते हो कि जो वेब सीरीज होती है, ये मोबाइल होता है, हम दिन के किसी भी टाइम देख सकते हैं, या रात में कभी भी हम मोबाइल ओपन कर सकते हैं, या फिर वेब सीरीज हम कभी भी देख सकते हैं। लेट मी टेल यू कि आपको एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरी नहीं है सुबह जल्दी उठना, ज़रूरी नहीं है कि आपको जिम जाना हो। आप दिन के किसी भी टाइम में जो भी आपके रूटीन में सेट होता हो, इवन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हो और अपनी हेल्थ इम्प्रूव कर सकते हो। दूसरा जो एक्सक्यूज़ आता है मनी। लोग कई बार ये कंप्लेन करते हैं कि जो प्रोटीन के आइटम्स होते हैं और जो हेल्दी आइटम्स होते हैं, दे आर वेरी कॉस्टली, और अगर उनको हम अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में ऐड करेंगे तो हमारा बजट हिल जाएगा। देन डू वन थिंग, अपने पिछले 3 महीने का या इवन पिछले 1 महीने का रेस्टोरेंट्स का बिल उठा करके देखना कि आपने रेस्टोरेंट से जो खाना मंगाया है या जाकर खाया है, तो उसका जो बिल है टोटल उसको एवरेज करना, और जिन चीज़ों को आपको इंक्लूड करने की सलाह दी जाती है, वो प्रोटीन के आइटम्स हो, फाइबर हो, चाहे हेल्दी ऑप्शंस हो, और कंपेयर करना, वो बताना आपका बजट हिलता है कि नहीं। अगर आपका मन करे तो उन पेशेंट से रूबरू हो लेना जिनको लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं और उनके हॉस्पिटल के और दवाइयों के खर्चे कितने हैं। और कई बार ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज हैं जो अपने साथ बीमारी लेकर आपके शरीर में घुसते हैं, तो कई केसेस में ये लोगों को ज़िंदगी भर अपना गुलाम बना लेते हैं, इसके बाद हॉस्पिटल्स के दवाइयों के चक्कर चलते रहते हैं। देन कंपेयर योर ग्रोसरी लिस्ट ऑफ हेल्दी आइटम्स विथ उन हॉस्पिटल्स के दवाइयों के बिल्स, और लाइफ लॉन्ग जो सफरिंग है वो अलग। तीसरा, लोगों का ये कहना है कि मुझे वेट ट्रेनिंग में या जिम जाने में इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नोबडी इज़ टेलिंग यू टू डू वेट ट्रेनिंग ओनली, नोबडी इज़ आस्किंग यू टू गो एंड लिफ्ट वेट्स ओनली। देर आर हंड्रेड्स फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस जो आप कर सकते हो, और किसी भी एक्सरसाइज को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हो। इवन वेट ट्रेनिंग भी जब शुरुआत में आपको बुरी लग सकती है, यू कैन मेक इट इंटरेस्टिंग, और ये इंटरेस्टिंग होता ही चला जाता है जैसे जैसे आपकी फॉर्म इंप्रूव होती है, जैसे जैसे आपका वॉल्यूम और आपका लिफ्ट इंप्रूव होता है, आपको मज़ा आने लगता है, आपको मज़ा आने लगता है जिम जाने में, लिफ्ट करने में वेट, कि पिछली बार मैंने इतना उठाया था, इस बार कितना उठाना है। और जब आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है, आपके स्ट्रेंथ लेवल, आपके एनर्जी लेवल, ओवरऑल आपका जो मूड है वो रिफ्लेक्ट करता है आपके जिम जाने की हैबिट को। लेकिन फिर भी अगर आपको जिम जाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो अदर टाइप ऑफ एक्सरसाइज को भी आप अपने रूटीन में डाल सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो टू इम्प्रूव योर फिटनेस लेवल एंड योर हेल्थ लेवल्स। तो जब आप बोलते हो कि आपके पास टाइम नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, देन एक्चुअली यू आर लाइंग टू योर सेल्फ। आप अपने आप से बहाना बना रहे हो, आप अपने आसपास के लोगों से बहाना बना रहे हो। डोंट से दैट यू डोंट हैव टाइम मनी और इंटरेस्ट, जस्ट से दैट फिटनेस इज़ नॉट योर प्रायोरिटी।